अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन एक डुओ गेम प्ले वीडियो के अंदर सभी को वेलकम। आज का गेम प्ले भी एंड लेवल गया है और थोड़ा सा हम लोग पार्टनर प्रोग्राम के ऊपर भी बात करने वाले हैं और एंड में आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप भी है, तो एंड तक वेट करिएगा और साथ में वीडियो को अभी से लाइक कर देना अगर नहीं किया हो तो, बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर करके भाई सब्सक्राइब करके सब दबा दो भाई जो दबाना है आज। तो भाई पीक के ऊपर हम लोगों ने लैंडिंग कराई थी और यहाँ पे हम लोगों को अपनी फेवरेट गन स्कार के साथ MP40 मिली है। MP40 आप लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता कि अपना बहुत फेवरेट गन है MP40 और स्कार भाई बहुत तगड़े वाला गन है। और यहाँ पे एक बंदा लैंड होके आया था तो मैं सोचा कि सबसे पहले भाई इसको पकड़ेंगे जरूर, लेकिन ये तोड़ लें ताकि यहाँ से अपने को 4 का वेस्ट वगैरह भी मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने बर्फ का गोला हटाया है और यहाँ से मिली थी अपने को स्कार मैक्स मिल गई थी, पहले 2 चिप थी तो यहाँ से स्कार भी उठा ली थी और साथ में MP40 की एमओ के साथ वेस्ट वगैरह भी और पिरकिट है। तकरीबन यहाँ से हम लोगों ने लूट अपनी फाइनल कर ली थी और वेट कर रहा था ये बंदा थोड़ा सा भी पीक दिखाता है तो भाई इसको पकड़ेंगे, अगर नहीं दिखाता तो भाई ऊपर चल के इसको तो मारेंगे, किसी भी सूरत छोड़ना नहीं है। अभी लैंड होके आया था, चलो अच्छे हेडशॉट के साथ यहाँ पे केडी तलहा था आई थिंक इसका, तो किल मिल गया हम लोगों को। पहला किल गैस यहाँ पे डन हो चुका है, 27 बंदे अभी तक अलाइव हैं। पीक के ऊपर शुरू में कोई भी बंदा नहीं मिला था, एक ही बंदा ये मिला है जो कि भाई बाद में लैंड होके आ रहा था रिवाइव होके, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ लिया था। बाकी गाइज अगर हम लोग बात करें वी बैज की तो पाकिस्तान सर्वर के अंदर फाइनली वी बैज आ चुका है, 5 बंदों को दिया जाएगा जिनका भी कंटेंट उस मंथ के एंड में बहुत ज्यादा देखा जाएगा, यानी कि जिनके व्यूज ज्यादा आएंगे उनको 5 बंदों को हर महीने वी बैज शिफ्ट किया जाएगा। अभी 5 को मिला है जिनके व्यूज ज्यादा आ रहे थे इस मंथ के बाद, जिसके 5 वो होंगे जिनके ज्यादा व्यूज आएंगे फिर उनको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से वी बैज शिफ्ट होता रहेगा, लेकिन मुझे बुरा इस वजह से लग रहा है क्योंकि हम जैसे जो छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो भाई जो बड़े वाले कंटेंट क्रिएटर हैं ये तो भैया वी बैज, तो भाई मुझे बुरा इस वजह से लग रहा है। चलो यहाँ पे एक बंदा था जिसको काफी अच्छा हेडशॉट कराया तो 3 के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिल गए थे और यहाँ पे नीचे की साइड भी 1 या 2 बंदे घूम रहे हैं तो इनको मार लेते हैं। बाद में हम लोग बात करने वाले भाई क्या नुकसान रहेगा छोटे कॉन्टेंट क्रिएटर को। अच्छा हेडशॉट यहाँ पे इस बंदे को भी लगा है, चलो गया भाई, क्या वन टाइम मारा इस कार का। चलो यहाँ पे एक और डुओ भी कंफर्म कर लिया है। तो भैया आजकल की जो ऑडियंस है, ये जो फेक कंटेंट क्रिएटर है ऊपर से जो ये चैलेंजेस देते हैं भाई, कुछ देते वेते नहीं है, बोलते हैं कि हम अपनी आईडी गिव अवे कर देंगे, हम आपको इतने डायमंड्स देंगे, हम इतना गिव अवे कर देंगे, तो ऑडियंस भाई लालच के चक्कर में सारी की सारी उधर चली जाती है। कुछ लोग तो देते नहीं है, कुछ लोग रियल में देते हैं, तो बाकी भाई आप जिनको वी बैज मिलेगा उनको तो ग्रीना बहुत ज्यादा डायमंड्स देगा। अब एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर के लिए किसी को इतने डायमंड्स या गिव अवे करना पॉसिबल ही नहीं है, उनको तो करीना दे रहा होता है तो वो तो भाई आगे आराम से दे सकते हैं। तो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के जो व्यूज़ हैं वो इससे बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएंगे क्योंकि सारे सपोर्ट उनकी तरफ चली जाएगी। बट कोई ना, हम लोग भाई अपना 100 क्या 200 प्लस देंगे। डेली वीडियोज़ भाई अपलोड होती हैं YT पे। यहाँ पे एक डो तंग कर रहा था, यहाँ पे लपेटे में एक बंदे को ज़रूर ले लिया था, बट इसका बंदा जो दूसरा है ना वो पीछे की साइड भाग गया था। अब भाई इंशाल्लाह पहले भी डेली की एक वीडियोस आ रही हैं, कोशिश करूंगा अगर 2 भी पॉसिबल हो सकें तो मैं दूंगा अपनी तरफ से। बाकी भाई आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग रियल वाले कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं कि नहीं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं करा तो भाई लाइक कर देना है। लो जी एक और बंदा जिसका किल कन्फर्म करते 7 किल यहाँ पर डन हो चुके हैं, क्योंकि बड़े कंटेंट क्रिएटर भाई उनको फ़ायदा मिलना भी चाहिए और वो आप खूब फ़ायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि जैसे वो डायमंड्स मिलेंगे उनको करीना की तरफ से, वो आगे कुछ ना कुछ हाफ भी उसका गिव अवे करते हैं तो बहुत बड़ी एक ऑडियंस की जो तादाद है उनको देखना शुरू कर देगी। ये अच्छी बात है पाकिस्तान सर्वर के लिए, लेकिन छोटे कंटेंट क्रिएटर के लिए ये बहुत ज़्यादा भाई इस मोमेंट के ऊपर हर्टिंग हो गया, क्योंकि उनके व्यूज़ अब डाउन जाने वाले हैं जितना मुझे लग रहा है आगे इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे भाई उधर उनके स्ट्रीम पे लाइव गेम प्ले जैसे करेंगे तो गिव अवे के चक्कर में उधर ही जाएंगे। तो ये थोड़ा सा था। बाकी भाई बात करें तो अगर यहाँ पे 15 बंदे हम अभी तक अलाइव हैं, 7 किल हम लोगों ने डन कर लिए हैं। ओके दोस्तों लास्ट जोन है, एक बंदा दिल पे रिवाइव कर रहा है अच्छा शॉट और गया। यहाँ पे काफी अच्छे हेडशॉट के साथ इस बंदे का हम लोगों ने किल कंफर्म कर लिया था, तो 8 किल यहाँ पे डन हो चुके हैं। गाइस एक छोटी सी टिप है, सेटिंग के अंदर आप लोगों ने जाना है, अगर आप लोगों ने मेडिकेट ऑटो पिकअप के अंदर ऑन करा हुआ है तो काइंडली उसको ऑफ कर दें,
अब उससे क्या फायदा होता है, जो छोटी मेडिकेट्स है ना उनका जो कचरा बैग के अंदर ऑटो जमा हो जाता है, खुद ब खुद उठाता रहता है करेक्टर, वो नहीं उठाएगा। जब भी मेडिकेट्स ऊपर होंगे तो उनको आप क्लिक करके इजीली उठा सकते हैं, यानी टैप एक दफा करेंगे तो बाकी लूट की तरह ऑटो नहीं होगा, वो भाई आप लोग नॉर्मली जो उठाते हैं लूट तो वैसे उठाना पड़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आपके बैग में जो कचरा बहुत ज़्यादा मेडिकेट्स का छोटी वाली जमा हो जाती है वो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास सुपर होंगे। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, ये आपके लिए समझ लो गोल्डन टिप है, एक दफ़ा ज़रा ज़रूर जाके ट्राई करना है। सेटिंग के अंदर जाना है, वहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो पिकअप, वहाँ पे नीचे जाना है मेडिकेट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप लोगों ने उसको ऑफ़ कर देना है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, अगर आप लोगों को इस चीज़ का पहले पता नहीं था तो नीचे कमेंट में बताना है, और इससे क्या फ़ायदा होता है अगर आप लोगों को पता है तो वह भी बताना है, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, एक दफ़ा ट्राई करना है मेरे कहने पे। बाकी चेक करो यहाँ पे 8 किल डन है, अभी भी 5 बंदे अलावे इनको पकड़ते हैं, बुइया किस सूरत में मिस नहीं करना, वर्ल्ड के टॉप सर्वाइवर के साथ भी अगर बुइया मिस कर दो फिर क्या ही गुंडा बनोगे आप। अच्छा जी, बंदे मिल नहीं रहे थे, फाइनली बंदे मिले थे, अल्ट्रा प्रो को इन्होंने मार दिया था, लास्ट ही डुओ था, 2 बंदे थे। आय हाय हाय क्या हेडशॉट लगे हैं भाई, छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई, ग्लू तोड़ूंगा 30 का है इसको। चलो मैंने जैसे बोला था 30 का डैमेज पड़ेगा, लास्ट ही बंदा है और वो भी रश कर ले गए, आला है आला आला, अच्छे हेडशॉट लगे हैं, बहुत आला। ये इस बंदे ने बहुत भगाया भाई, चेक करो मोमेंट चेक करो बंदे की, बट जीएम के आगे भाई अगेन कुछ भी नहीं चलने वाला, फजूल है सब। चलो ग्लू तोड़ के मारेंगे, लॉगे अच्छा हेडशॉट कार का और 10 किल पे गैस, ये वाला गेम भुया हो चुका है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, टिकटॉक पे देख रहे हो तो फॉलो करके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।